Hey guys, welcome back to our channel Daniel Doing. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम सुनो चंदा ड्रामे के सीजन 2 के एपिसोड 15 पर रिएक्शन दे रहे थे। तो जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चले गए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, साथ में एपिसोड को एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। विनो, हां जी विनो, अरे मैं मर गई है। तूने क्यों मुंह के ऊपर सब्जी की दुकान सजाई हुई है? तू चाची नगीना के टब्बर को खुदा हाफिज कह आई है? अल्हम्दुलिल्लाह है, चाची नगीना को तके मार के निकाला है, बड़ी मुश्किलों से गई है। वैसे चाची नगीना अगर एक और हफ्ता यहाँ टिक जाती ना, तो आगा जी के साथ उसका निकाह खड़क जाना था अल्लाह के हुक्म से। पीनो, चाची नगीना का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगा जी का ना अभी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ। डाल है दस, ये मैं ना कैसे जचेगी मेरे मिठू के नाल? एक नंबर की मीसनी है। ओ मासी, इतनी बुरी भी नहीं है कि वो। चुप कर, चल कोई नहीं। वो मीसनी तो मेरा पुत्र भी बा, ऐसी फिट जोड़ी बनेगी दोनों की। पिनो, अपना प्रोग्राम जो है ना कुछ 6 महीने आगे पीछे कर दे। पिछले एक साल से सल्लू के ब्याह ने ना मेरा दिमाग भुला किया है। ना जी, साड़ी वारी आए थे कुगू रो पिया। अच्छा सुन, वो ना मैं तुझसे पूछने के लिए आई थी, तेरा वापसी का क्या प्रोग्राम है? बीजान ना मुझसे आले बहाने से पूछ रही है। बीजान को बता देना कराची से मैं एक इंच भी नहीं हिलूंगी जब तक मेरे मिठू का विवाह नहीं हो जाता। यार ये सही है, जबरदस्ती है, तू यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। आगे पीछे काट टाइम को थोड़ा सा ना। पर वो जोजी बुड्ढा, उसको तो 2 माह में मिल गई ना बोटी, 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर इसको क्यों नहीं मिल सकती? माशाल्लाह मेरा पुत्र शेर जवान। हाँ वो तो मिल जाएगी, लेकिन ये शेर जवान को जलाल भाईजान दे देंगे रिश्ता? तो फिक्र ही ना कर, शेरू डालूंगी। ये दिमाग लगा लेगी। मिठू ते मैना पिंजरे दे अंदर देखने लग गया सपने। अच्छा जी, बेबे मजा आ गया। ऐ लो हवा लो, सच दे ला पहलिया। हाँ बैठो। वैसे हम निकलने वाले हैं तो सोचा कि आगे खुदा हाफिज बोल दें। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को छोड़ने। अरे वाकई जिया, तुम भी जा रही हो? नहीं एक्चुअली वो फालतू लोगों की जगह नहीं है गाड़ी में। फालतू लोग और मासूमा को भी जा रहे हैं ना, तो वो गाड़ी में जगह नहीं। अच्छा फिर ठीक है। तुम लोगों का हनीमून ट्रिप कितने वक्त का है? वैसे तो महीने का था, लेकिन फिर जमशेद मामू ने बोला कि तुम आ रही हो तो हमें होना चाहिए ना। यार आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का। कम ऑन यार जिया, डोंट बी फॉर्मल। अर्सल तुम कब अप्लाई कर रहे हो वापस वीजा के लिए? वैसे विजिट वीजा मिल जाएगा ना अर्सल को? क्यों शायद? ऑब्वियसली मिल जाएगा दूसरी बार। छोड़ो यार ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो, एक्चुअली चेक इन शुरू हो गया होगा यार, हमें चलना चाहिए। तुम भी है ना क्लीनिस के। टेक केयर जिया, फिर लंदन में मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय। भाई किलो शराब बहुत बुरी तरीके से। कुछ नहीं होता, सेट हो जाएगा। सुनो मुझे भी पाउडर पीने को, वरना पता है तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। सच रहो, कैसा मैं उस इंसान को खुश नहीं रख सकती जो खुद खुश नहीं रहना चाहता। ठीक हो जाएगा, मैंने वैसे भी उसको उसके हाल को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी जिया देखियो, अपना खूबसूरत रिश्ता मत खराब करना। तुम लोग क्या बातें करने लग गए हो, तुम लोग जाना है। चलो समझदारी वाली बात करता है बंदा ये। मुसीबत आ गया है। ओहो मैना जी, मैं तेनू किन्नी बारी दसिया है, मुसीबत मोनस होती है मुजक्कर नहीं। वाह वाह मिट्टू इंजीनियर, खाना खराब है तुम्हारी मुजक्कर मोनस का। मुझे बताओ सेलफोन में बैलेंस है? जलाल मामू को फोन करनी है मुझे। ओहो मैना जी, आपको पता नहीं है मिठू के पास फ्री मिनट्स की दुकान लगी हुई है, मगर नेटवर्क कौन सा है?
मेंटल पीसा। ओ मैना जी, क्लोया, ऐप लो, दूसरा को फोन कर सकता है मैना जी। अरे मैना, सब मजा ले रहे हैं इनके घर पे। ये होना चाहिए घर, कहीं पे भी बंदा मजे ले। हमारा किंजाम को छोड़कर चला गया सात समंदर पार परदेश में। अल्लाह हमारी बच्ची को खुश रखे, आपने तो रो रो के नहुसत डाल दी है, बस करें। खुशी होगी पप्पा यहाँ से जाके। चुटकी मामा के पास भी तो गए थे। सही था यार वो। क्या हो गया पप्पा? दादी का बूट, हमारे हमारे टोपी किधर है? हमको टोपी टोपी भूल गए। ठीक अब ठीक है। भाई कितना डरता है बंदा। दादी समझे? बड़े अरसे बाद फोन किया दादी। पिखामुर में सब खैरियत तो है? हाँ हाँ दादी, हाँ खुदा पमान, खुदा दे मलशा दादी, खुदा दे मलशा। चले। कितना डरते हैं अरे दादी से हमसे। गैस बन गई होगी। उसे कहो कि अस्पताल ले जाए, किसी डॉक्टर को दिखाए। बेटा अब तो 2 घंटे हो गए हैं एयरपोर्ट छोड़ने गया है या लंदन चला गया उन्हें छोड़ने। नहीं माँ पता नहीं एक्टिंग सही कर रही है। बच्ची का क्या हाल हो है? तो बच्ची की शादी करके ऐसे हाथ जोड़ के फारिग होके बैठ गए हो एक तरफ। बीजन मुझे गुस्सा चढ़ा है, यहाँ ये हाल है, बाहर जाएगी तो क्या करेगी, कौन ख्याल रखेगा इसका? मत पकड़ शाबाश मेरा बच्चा, खैर मुझे चम्मच ला, ये देख छोटे छोटे शाबाश। तो कुड़ी नु कोई आराम आया? वो बीजान पहाड़ी चट्टान हूँ जो मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं आप, कत्ल शतल करके आयो जलाल साहब। जलाल मियां कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? वो जलाल के दादी को पता चल गया कि शेरी और किंजा की शादी हो रही है। आए, किन्ने लाई चुगली? वो मैंने व्हाट्सएप पे शादी की तस्वीरें लगा दी। शादी की है उसने, कौन सा भाग के चली गई है? अरसल अरसल जी बीरा, देखो तो तुम्हारी बीवी का क्या हाल हो रहा है, इतनी तबीयत खराब है उसकी, उसको डॉक्टर को दिखवाओ। बीजन मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहें कि अपने काम खुद करने की आदत डाल ले, वहां जाके भी तो करनी है। अरे ये कहानी सुना के चला गया। ये अलग टेंशन दे रहा। पेशावर से कराची तक दहशतगर्दी फैली हुई है। डर था तो फिर शादी क्यों की बच्ची की? वो बीजन तुमको क्या पता पठान को हम किस बला का नाम है। इधर बच्ची की तबीयत खराब है, उधर उससे अपना तमाशा। अच्छा बस बेटा बस बस, इसकी माँ को कोई चिंता ही नहीं, रोती रहे। अरे बेटा शाफी लगा। अच्छा ड्रामे कर रहे थे क्या? पता नहीं, अब तो ठीक है। पीजन मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहें कि भाई ड्रामे कर रही थी, क्या डाल दिया, वहां जाके भी तो करनी है। क्या पता उसने वो पिलाया उसे सही होगा।
मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ। देखो माँ, अगर जिया से रिलेटेड कोई भी बात है ना, मुझे करनी नहीं है। अरसल रुको एक मिनट। देखो अरसल, जब तक हम बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल वो निकालते हैं जिन्होंने रिश्ते निभाने हो। माँ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि समझ गया हूँ मैं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया मुझे इसने, सिर्फ बाहर जाने का शौक पूरा करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिया को क्या जरूरत है ये सब? उसी को जरूरत है उमा, उसी को जरूरत है। अच्छी तरह जानती थी मीसनी के नहीं जाने देंगे इसे चाचा चाची बाहर बगैर शादी के। देखो अब तुम ना फजूल बातें सोच रहे हो, और वैसे भी गलती तुम्हारी भी, तुमने भी तो वादा किया था ना उससे। ये वादा नहीं किया था मैंने कि ये बसा बसाया घर छोड़ के भाग जाएगी बाहर सिर्फ अपने फ्यूचर के चक्कर में। मैं क्या करूंगा ये पीछे से? अरसल देखो मेरी बातों का माइंड मत करना, लेकिन इस वक्त तुम अपना घर खराब कर रहे हो, वो नहीं कर। हुमा अगर वो लड़की होकर ना मुकाबलेबाजी और जिद पर अड़ सकती है तो मैं उसके गोडों को हाथ लगाऊं, पैर पड़ूं उसके आगे के मत छोड़ कर जाओ मुझे। असल जमशेद जी सब कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बता देना उसे। अब यही चलेगा उस ड्रामे में कि यही चलेगा। कॉमेडी वाले बंदे तो चले गए, चले गए बिल्लो, चले गई जोजी। जोजी सब बताओ दाजी, दिस इज शॉकिंग सड़े दा जमा व्हाट्सएप स्टेटस बहु गोरी या पकले जो हनुम के तो वाले ने लगा दे। या अल्लाह दा संग जी ने दे ऐसे एक्टिंग करिया भाई ने। पता नहीं मामू भाई हमारी बुराइयां ही कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है। आए पुत्र तू ऐसी नहीं है, लेकिन तूने जो तीली लगाई है ना उसके शोले पेशावर तक पहुंच गए। दाजी कपूर हो तो कौन सी ऐसी आफत आ गई, उठा लो फोन बात करो। नहीं पुने हमें पुन के बीच में से गोली मार देगा दाजी। मखवा मुझे मखवा। और ये दाजी इतना खौफ है यार, मेरे मथे लगाओ सारी फूफा निकाल देंगे। हमारा हमारा दादी के खिलाफ ऐसे नहीं बोलो, हमारा घर तो बलती है। और हमारा जो दिमाग उबल गया है उसकी किसको परवाह है। आप लोग सब माने या ना माने, इसने जानबूझ के तस्वीरें लगाई हैं। सुमा फसूल बातें छोड़ो, इस मसले का कोई हल निकालो। अगर फोन ही नहीं उठाओगे तो पता कैसे चलेगा उस तरफ क्या हो रहा है। मुझे वो दादी देखते ही पार मार देगा। और ये दादी ने कोई परमिट लिया हुआ है बंदे उड़ाने का? क्या हो रहा है ये, जो करना है जल्दी कर लो, मेरे तो दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही है। पीनो तू ना इधर आ जा सेट के ऊपर, ताकि दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए। ये जान मुझे लग रहा है ये ऐसी फजूल बातें करते रहेंगे इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ ऐसी खामखा में राई का पहाड़ बना रहे। चलो आओ चलो चले यहाँ आगे लगे। इतना कौन रोता है यार। सॉरी बताएगा कैसे भाई इतना रड़ता है यार। भाई अबे जलाल जी भाई, मतलब इसके घर से इसके ये आ जाए ना, क्या कहते हैं दाजी। भाई साहब ये तो गया बंदा यार। देख गलती तो है, वो घर का बड़ा बंदा है और उसको बताया नहीं, पता ही नहीं भाई, भाई खानदान को नहीं पता। हाँ इसके भाइयों को नहीं पता, बेटी की शादी हो गई और बता रही है। ये तो है क्या भाई, अब बस इन्हीं के पीछे ड्रामा चल रहा है। और अरसल और जिया की, अरसल और जिया की स्टोरी चल रही है कि मतलब आनाकानी हो रही है कि यार ये ना जाए और वो चाहती है कि भाई मैं जाऊं। अब यही चल रहा है ड्रामे में और कुछ नया नहीं हो रहा गाइस। कुछ देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।